मेरी हालत धीरे धीरे कैसी हो रही है। सही है। हेलो क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। इतने बुरे हुए बाल। लाइव से जुड़ते रहो। नींद आ रही है। दुख रहा है। जुड़ते रहो, लाइव से जुड़ते रहो। लाइव को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, और जितने भी फ्रेंड जुड़ रहे हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करते रहो। थैंक यू, थैंक यू। जुड़ते रहो लाइव से। मैं अचानक नहीं आती, मैं डेली आती हूँ लाइव। अब मैं डेली आती हूँ सबका दिमाग चाटने। योगेंद्र अम्बेडकर जय भीम, अशोक जय पाल जय भीम भैया। विवेक कुमार जय भीम। लाइव को शेयर करते रहो सभी फ्रेंड मेरे। फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते हैं और फेसबुक ग्रुपों में सभी फ्रेंड लाइव को शेयर कर दें। जो नए हैं जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें और लाइक और कमेंट और शेयर करें। मेरे को नींद आ रही है, मैं तब भी लाइव हूँ। अर्निंग तो तभी होगी तब तुम सपोर्ट करोगे। जिस दिन अर्निंग होने लगी बढ़िया करके उस दिन तो सीमा घर पे बैठना बंद कर देगी, ड्यूटी करना बंद कर देगी, उस दिन समाज के बीच उतर जाएगी काम करने। विजय जय भीम जय जवाहर जय भीम भैया, विजय भैया बहुत। अगस्त का भारत में आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान ये है कि सभी साथी सभी लोग अपने काम पर ध्यान दें, अपने फैमिली पर ध्यान दें, अपने कारोबार पर ध्यान दें, अपने भविष्य पर ध्यान दें, लिखाई पढ़ाई पर ध्यान दें, इन फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें। अगर 21 अगस्त को भारत बंद करने का आपका भी विचार है तो भैया 50 से 60 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल लें, एक वकील कर लें और अपने माता पिता को धक्का दे दें। अगर शादी हो रही है तो बीवी बच्चों को धक्का दे दें तब जाए, ठीक है? और जमानती जरूर करके जाए, 2 या 4। अपने लिए तब भारत बंद करने की सोचना, क्योंकि जिस लिए भारत बंद करने के लिए ये अफवाह उड़ाई थी वो बातें सभी ना मान ली गई हैं हाईकोर्ट द्वारा।
तो क्यों मानी जा रही है और मानी भी जा रही है, क्योंकि अभी चंद्रशेखर भैया जी ने कोई निर्णय नहीं लिया इस बारे में, कोई नहीं बहन जी ने निर्णय लिया, तो ये आलतू फालतू के लोग क्यों दूसरों को उकसा रहे हैं। नहीं, मैं गंदे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, मैं सतपाल को कोई सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया जब उसके संगठन में थी, और अब मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही मैं उसको कोई वास्ता रखती हूँ संगठन के बारे में, नहीं उससे कोई समाज के बारे में, क्योंकि समाज के बारे में कोई अच्छी शिक्षा नहीं देता है, अच्छी बातें नहीं करता, हमेशा दूसरों को दूसरे की कमियाँ ये देखता है कि इसको कब किस तरह से गिराया जाए, बस उसको बस टॉर्चर करता है। अब उस चंद्रशेखर भैया जी गिराने में लगा है और वो सब देख रहे हो तुम। क्या बनेगा, भोजन समाज के अच्छे रेट ना चंद्रशेखर भैया उनका क्या बिगाड़ देगा। लाइव को शेयर कर दो प्लीज, फॉलो भी कर लिया करो, फॉलो मेरे घटते फॉलोवर्स घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो नहीं जय भीम नमो बुद्धाय। कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, ज्यादा होते क्यों नहीं हो, मैं भी तो जाग रही हूँ तुम्हारे साथ साथ। कल है 15 अगस्त और सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 78 स्वतंत्रता दिवस है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, अपने काम और कारोबार में तरक्की करें, मेरी दुआ आपके साथ है। 21 अगस्त से बच के रहें, और 21 अगस्त से नहीं आने वाले टाइम में भी ऐसे माहौल से बचें, ऐसी हरकतों से बचें, अफवाहों से बचें, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने फैमिली पर ध्यान दो, बस सबसे बड़ा योगदान आपका ये चाहिए। भैया मैंने नशा है ना ड्यूटी का किया है, थक जाती हूँ, कल मैं लाइव भी नहीं आई, खाना खा रही तभी नींद आ रही थी, और ड्यूटी पे जाते ना तो प्रोग्राम वगैरह था स्कूल में, इसलिए ज़्यादा, और फिर वहाँ पे पेंट वगैरह हो रहा, वाइट पेंट हो रहा है ना स्कूल में, इसलिए सारा काम देखना पड़ता है, उसमें ऊपर नीचे दौड़ लगती रहती है, इसलिए थक जाते हैं, और थकने के बाद तो नींद आती है, 2 घंटे सो भी गई आके ड्यूटी से, उसके बाद भी नींद आ रही है। वो पड़ोस में सब पर नज़र है, फेसबुक पर लाइव में भी नज़र है, आसपास पड़ोस में भी नज़र है, मेरे दो आँख इधर है, दो आँख इधर, दो आँख इधर, दो आँख पीछे। और बताओ तुम सब कैसे हो, तुम्हारे फैमिली में सब कैसे हैं। मेरी आवाज़ दबी दबी लग रही है ना थोड़ी बारी बारी, जिस दिन से खतरनाक ड्यूटी करने लगी उस दिन तो मेरी आवाज़ गले की खत्म हो गई। मैंने मैसेज कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर यू राइट। मेरे उस पर देखना, बाद में देखना, इनबॉक्स में मैसेज किया है किसी भाई ने के नाम से, अपना YouTube चैनल का लिंक भैया इसमें शेयर कर देना मेरे लाइव कमेंट में, और देखते हैं। रवि भैया जय भीम, रवि भैया जय भीम, रवि 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 पैर टूट रहे हैं, एरिया दर्द कर रही है, पैरों की एरिया, फिर काम
कुमार, नमस्ते दीदी, जय भीम भैया। करता राम मेघवाल, जय हिंद भैया। लाइव को शेयर कर दो। एक वो आया लिंक, देखना जरा। हाँ लाइव में लिंक है योगेंद्र अम्बेडकर के। चिल्लू कर पकड़ना जल्दी। काम बढ़ गया आया था योगेंद्र अम्बेडकर के नाम से यूट्यूब चैनल का लिंक है, एक बार देख लो। लाइन में शर्मा हाँ लाइन में डाला है कि हाँ लाइव में डाला। प्रथम कुमार मेरा नाम तो ले लीजिए एक बार। प्रथम कुमार भैया जी, जय भीम भैया। दोबारा डाल एक बार फिर लिंक शेयर कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल का, पिन कर देंगे हम। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा सो रहा है, पढ़ाई कर रही थी, अभी थक गया वो, ट्यूशन गया था। अभी से क्यों कमेंट कर दी करी रवि भैया कमेंट कीजिए। रवि भैया बोल रहे हो? वो लिंक जो यूट्यूब का चैनल का आया था वो रवि भैया का ना था। रवि की आईडी को फॉलो करें फॉरवर्ड फॉरवर्ड मैं रिकॉर्डिंग भेज दी है सतपाल की, ये दी ये दो तो ना। क्या बोल रहे हैं? कर हाँ भारत परिहार, जय भीम भारत भैया। रवि भाई की आईडी लगी है पेन रवि भाई जितन को फॉलो कर रवि भैया की आईडी का लिंक पिन कर दिया भैया, एक बार फॉलो कर लो सभी। अम्मा को भी फॉलो कर दियो, ठीक है? ये तो जय भीम जय संविधान। हाँ वाह भैया, मैंने कौन सा काम कर दिया समाज को झुकाने वाला? एक बार मुझे बता दो। धर्मपाल बोध बोध मो बता दो भैया, मैंने कौन सा समाज का काम कर दिया झुकाने वाला? क्या मैंने किसकी गर्दन नीची कर दी? नहीं नहीं, तुम्हें इतना झुका दिया मैंने? मेरे से मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है तो फिर पता भी ना समाज कार्य का, सबको पता मैंने क्या समाज कार्य करा। एडवाइस दे रहे नहीं, नहीं आ गए यहाँ, फालतू की बकवास करने लग रहे हैं। सतपाल ये चमचे हैं उनके ही गद्दारों नहीं और के। क्या हमें लेकिन सतपाल क्या मतलब है किसी से? जिसने हमारे साथ गलत किया हम तो खुल के गाली देंगे, तो गाली देती ना हूँ मैं किसी के सामने। अरे मंजीत नोटिया सपोर्ट कर रहा हूँ 21 अगस्त को ताश में ये कर भाई नहीं, दोनों का धंधा फर्क पड़ रहा है। हमने तो हमारा काम समझाने का समझा दिया। नमस्ते जीरो फाइव ढूंढना इनवाल मेहवा, जय भीम मैडम जी, जय भीम सर जी। विकास भैया आप कौन सी सर्विस करते हो, एक बार मुझे बताओगे कमेंट में? किधर गया? मनोहर मिस्त्री, जय भीम। सऊदी अरब मैं फिर ना खुली खुली बोलती हूँ। आप बताओ योगेंद्र भैया मैं
भैया जानते हो तो अच्छी बात है, कोई भी लड़की किसी के बारे में गलत तब बोलती है तब उसके दिल पे बीतती है, ठीक है ना। वरना कोई ऐसी ऐसी भी लड़की देखी है कि सामने कोई लड़का छेड़ भी जाता अपनी इज्जत के कारण वो मुंह से भी नहीं बोलती कि सामने छोरे ने मैं छोड़ दिया छेड़ दे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं निकम्मे ना, आकर लाइफ में भोगते हैं। चंद्रशेखर हम भी चंद्रशेखर भैया के साथ थे, ठीक है भैया। सतपाल के संगठन में हमने कार्य किया था, लेकिन मैं 15 दिन उसके संगठन में सही अपनी मर्जी से कार्य किया मैंने। 15 दिन के बाद उसने मुझे मेंटली टॉर्चर, मेरे ओढ़ने पहनने को, मेरे लिखाई पढ़ाई को लेकर के, मेरी फैमिली को लेकर के मुझे बहुत नीचे दिखाता था वो। और इसमें मैं मौजूद नहीं हूँ, उसके कुछ संगठन में जो साथी थे ना वो भी मौजूद है। जैसे कि आप आज बोल रहे हो ना, ऐसे दूसरे भी बात को छुपा देते थे, समझ रहे हो ना। ऐसे नाम उसका ड्रामेबाज है वो। जितने भी मेरे साथ में उसने षड्यंत्र रचे ना, लाइफ दो ये दो, मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला। मेरा सरकार से क्या विरोध है ये बताओ, मेरा किसी पुलिस वाले से क्या विरोध है, किसी थाने से क्या विरोध है मेरा। सब वही तो मेंटली टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर किया करता था कि मेरी इज्जत तक पहुंच गया। फिर वो मेरा क्या लगा बताओ तुम। एक तो उसके संगठन में काम कर रहे हैं, उसके संगठन को बढ़ा रहे हैं, उसका हर जगह नाम ले रहे हैं, कहीं उसके लाइफ में नाम नहीं लिया तो उसका लाइफ भी काट दी, कहीं उसका नाम ही नहीं लिया मैंने लाइफ में तो लाइफ ही काट दी। भाई ये कौन सी बात है, मैं इंसान हूँ, तेरे गुलाम नहीं हूँ किसी की। मेरे को आजादी दी है, मैं जो करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी, किसी की वो नहीं हूँ गुलाम। वो हर तरह से मुझे मैंने टॉर्चर करने लगा, गंदा संदा बोलने लगा, मेरी इज्जत तक बात आ गई तो मैं क्या करूँ। फिर मेरा क्या लगा भाई, वो अब भैया किसी को ये है कि सीमा पागल बनाती है, उल्लू बनाती है, तो भैया हम तो ये कहते हैं कि अपनी बहन को एक बार 15 दिन के लिए भेज दो काम करने के लिए। क्यों नहीं कर, क्यों नहीं भाई की सपोर्ट कर, सतपाल तो काट में है। जो भी भाई को थैंक यू। ये बात मैं नहीं कह रही, बुलाओ सतपाल को, अरवा से 25-30 आदमी सामने खड़े कर देना, अरवा तब बुलवाना वास्ता। अगर उसका शरीर ना कांप रहा हो तो बोलना। ऐसी मैंने भी एक बार गुड़गांव में बोला था, मैंने कहा सर आप इतने कांपते क्यों हो जब बोल रहे हैं, अरे मैडम यही तो अदा है। मन का सही है, तुम्हारी अदा पर संभल जाए। इतना मतलब इतना कांपता है, इतना डरता है, उसको सही से खाया तो जाता नहीं है, उसे काफी इतने कपाट होती है उसके अंदर। अब भैया देखो मेरे साथ हुआ मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मैं उसने एक मैंने 6-7 महीने काम किया, खूब किया। जितना उसने इंसल्ट की, खूब इंसल्ट की उसने, खूब उल्ट सीधी हरकतें करनी चाहिए उसने मेरे साथ। उसने इतनी नहीं, मेरे पैर भी 3 बार छुए उसने। सिर्फ इंसान तब पैर छूता है उसे कोई मतलब होता है, वरना कोई क्यों किसी के पैर छुएगा। अब मेरे झुकाया सवाल जब सारे उसने मेरे को गलत बोला, सोनू सिंह जेल में थे, टॉर्चर किया उसने, मेंटली टॉर्चर, गंदा संदा मेरे साथ करना चाहा, उससे गर्दन पे मैंने तलवार रख दी थी और उसने मेरे को गाली दी है। सिद्धि में उसे रिटर्न में है ना, जिस तरह से उसने मुझे गाली दी उसी तरह से मैंने उसी की लैंग्वेज में उसे गाली दी। उसकी पत्नी उसके साथ थी, दोनों हाथ पकड़ गए, रूम से बाहर निकल गए थे। शाम तक मैंने रूम चेंज कर दिया था, और इस चीज के गवाह है ना मकान मालिक है, मकान मालिक से मेरी आज तक बात होती है। इतने बढ़िया थे वे यादव समाज से थे, कहते हैं ना हर कोई कास्ट में ना गलत नहीं होता है। तेरे अपने समाज में तेरे गंदे लुच्चे लफंगे लोग भरते पड़े हैं, दूसरे को कैसे कहते हैं। अपने अपनी बहन बेटियों को छोड़ने को तैयार नहीं है, दूसरे को लुटा रहे उसको बलात्कार हो गया ये हो गया। जब तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना करोगे तो अपनी बहन बेटी तो दूसरे के धोरे जाएगी मुंह मारने के लिए। जब तुम खुद ही ना देखते अपनी बहन बेटे को, जब अपने ही घर में अपनी बहन बेटी का बलात्कार होगा तो भैया बाहर वाला तो हावी होगा ही ना होगा। एक तरफ तो बन रहे रक्षक, दूसरी तरफ सुतरे वही कुत्ते बन रहे, तो ना कैसे बोल सकते हैं फिर। इंसान है वो सतपाल, है ना, इंसान नहीं है, गधा है जानवर। और सुत्री का मेरे सामने था तो कुत्ता बनाऊंगी उसको, किस दिन देख लियो। मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ, इतना वो है दमदार है तो उसको बोलना लाइन मार के नाक काट के रहूंगी किस दिन आपको सही सामने। तो 2-3 के मारा ना डाल दी मैंने, मेरे मुंह में तो गाल निकल रही है। पता तो सुत्री पड़ का गया, नाम मत ले, कोई मेरे पता तो पड़ सामने। गया। दिल्ली में कौन से जगह, हम तो दिल्ली में हैं। मैं भी यही हूँ, दिल्ली के धोरे आई की वजह से आई हूँ, वहां मेरे क्या मारपीट करनी चाहिए ना। कुत्ता बनाया दिया था, 5 फुट ऊपर उठाया दिया था मकान मालिक ने, टॉयलेट निकल गया था पेंट में, सुबह के टाइम सबने धोया मिलकर, तो वो भाग गया था। और सोनू सिंह आए थे जेल में से निकल गए, सोनू सिंह अभी गुड़गांव में एंट्री भी नहीं करी, उसका इन्वर्टर चोरी हो गया, सिर्फ 15,000 रुपये निकल गए, बताओ तुम। हाँ बंदा जेल का आया गोरखपुर से निकल के है, बंदा अपने घर नहीं पहुंचा, और बंदे के गुड़गांव में जाकर पारक हॉस्पिटल है वहां पर जाके
उसके इन्वर्टर चोरी हो गया, 12,000 रुपए निकल गए, उसकी पत्नी पकड़ ली सोनू ने, उसकी पत्नी छेड़ गई। अगर तो कौन सी इज्जत रहेगी वाएगी, और गाली एक से एक देता है। तो भैया हम बोलेंगे जिसको बुरा लगता है वो अपनी बहन को भेज दो उसे धोने, काम करने के लिए, वाई के सोने के लिए उसे धोने। मैं तो सीधी सीधी बोलती हूँ, ना हमारे धोरे किस सुतरे का धोरा सोना, ना हमारे किसी हमारे बस की किसी की सुननी, ना हम गलत है ना हम सुनते हैं, ठीक है। और जिसको सोना है, जिसको मजा आता है इन चीजों में, भैया वो जाओ वो सुनो वो खाओ वो पियो। हम काम करते थे अपनी मर्जी से, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती काम कराता था। उल्टा सीधे आग लगाओ थाने में, उल्टा सीधी लाइट दो। हमने एक दो बार उसके मेंटली टॉर्चर होने से 3-3 घंटे उसने टॉर्चर किया, दोनों ने, पत्नी ने उसने, निशान और सतपाल ने, हमने फिर भी चलो लाइव में बोल दिया। उल्टा सीधा हम पे केस लगे। अरे हम तो जेल जा रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, हमारे बच्चों को पेंसिल तलक नहीं आ रही। तो जब तू मेरे सामने मेरे बालक को ना देख रहा, मेरे पीछे का तू घंटा देखेगा। हम काय को अपने ऐसे ऐसे मराए, फिर इससे साथ में यहाँ काम करे, और फिर उल्टा सीधा हमारे छेड़छाड़ करे अपनी पत्नी के सामने, कभी हमारे पैर पर हाथ लगा रहा, कभी हमारा हाथ पकड़ रहा। हम कह रहे हैं अरे ये तो चलता है, चलता है तो अपनी पत्नी को सुहा देना, दूसरे के धोखे पता चल जाएगा, इज्जत कर बेइज्जती क्या करे। थोड़ा हाल तो बोलते हैं, अगर लाइफ में सतपाल 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 अच्छा लगा, जाओ अपनी माँ बहन को भेजो, वहां पे अपनी घरवाली को भेजो, अपने दोनों को भेजो। मैं तो साफ बोलती हूँ, समाज की होगा, समाज के ऐसी बात करते हैं छूतियापंती वाली। भैया हमारे साथ हुआ, मेरी आत्मा दर्द करती है, ठीक है। कल एक रुपया ना था खाने के लिए, किसको बताऊँ, किससे भीख मांगू, तुम दे दो 500 रुपए। मेरी तारीख थी कल गोरखपुर की, एक रुपया ना था खाने के लिए, कल 500 रुपये 700 रुपये उधारी लिए हमने। बताओ अब 700 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने किसी के लोंडिया मरवाए थे, क्या लोंडा मरवाया था, किसी क्या करवा दिया मैंने, बताओ किसके घर में डाका डाल लिया मैंने। सब सत्काल की तो देने जाओ, हम केस भुगत रहे हैं। काम तो सोचा है, चलो काम करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे। यहाँ खुद जागरूक हो गए, ऐसे कि थाने की कचहरी के चक्कर काटते फिर रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी रह रहे हैं। काम करना, खावेदान है, अपने बच्चों को पढ़ाए, खुद लिखाई पढ़ाई करें, ड्यूटी कर गई, कोर्ट कचहरी भर है। अपने समाज का हो या दूसरे समाज का हो, सब बोलते ही बोलते हैं, भैया कोई साथ ना देता बुरे वक्त में, अपने माँ बाप देवे तो देवे, बस वो भी अपने ही। ये ना सोचोगे तुम्हारे हस्बैंड के, तुम्हारी पत्नी के माँ बाप को कोई साथ ना देता, ठीक है। सब मुंह देखी बात करें, हम बोल रहे हैं सही साफ, चाहे अपने हमारे चाहे भाभी हो, चाहे हमारे भैया हो, चाहे हम हो, हमारे माँ बाप जो अपने बेटे के हो जाएंगे वो दूसरे की लड़की के न होंगे, और हमारे माँ बाप जो हमारे हो जाएंगे हमारे सास ससुर हमारे न होंगे। हम तो मुंह पर बोलते हैं, चाहे बुरी लगे चाहे भली लगे, काहे के सबकी बात वही है, अपना खून अपनी तरफ गिरे। हाँ, मुझे पता, 25 दिसंबर को आप गए थे, हम भी गए थे सर, वो था वहां पर जन्मदिन उसका, कुछ ऐसे था, सतपाल का जन्मदिन वगैरह था कुछ, जब उसकी एम्बुलेंस लॉन्च हुई थी। अच्छा, एम्बुलेंस लॉन्च हुई। हाँ हाँ चलो, हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत हैं, ठीक है, हम तो अपनी गलती बता रहे हैं, हम गलत हैं। आज अभय सर नहीं है उसके संगठन में, अनिल सर नहीं है वो भी उसके, गलत रहेगा। वो भी गलत हो गए क्या? वो तो उनको भी बोलते हैं सतपाल की, वो तो अभय और अनिल तो पिन्नी चुगनी वाले को नहीं छोड़ते, झाड़ियों में लेके बढ़ जाए। अरे भाई तुम अपनी गिरवान में तो ढको, तुम्हारे संगठन में कोई बेसहारा लड़की अगर काम कर रही है, तुम वाई क्या छेड़छाड़ कर रहे हो, तुम दूसरे पे कैसे नजर डाल रहे हो भैया? दूसरा जैसा कर रहा करने दो, तुम खुद तो सुधर रहे नहीं, संगठन के मुखिया हो गए और दूसरों की तुम ऐसे ऐसी मार रहे हो, दूसरों को बदनाम कर रहे हो, फिर बाद में कह रहे पास बताना मत किसी से, बताना मत, मन को बताना ना, तेरा मुंह किस दिन इतना फूटेगा सतपाल। अगर तेरे चमचे ना जिस दिन मेरे सामने आओगे पहले मुंह रंगूंगी नंगा करके, मेरी इज्जत तो बात आई, हम कुछ ना बोल रहे। हमारी कितनी बुरी हालत हो रही है हमें पता, किराए पे रह रहे हैं, किराए का रूम किराया देना, बच्चे की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, उसके बाद ड्यूटी, उसके बाद केस, अब मैं क्या क्या कर लूं? 15-16 हजार रुपए मिला सैलरी का, उसमें क्या क्या कर ले बताओ तुम? उसे पीएफ भी कट जाना, 4,000 रुपये रूम के लगा लो, खाना खर्चा हारी पराती कपड़ा लत्ता, बच्चे की फीस 2,500 रुपये मेरे बाल लग के जा रहे स्कूल के महीने के, कहाँ से देंगे बताओ तुम? अब ये कोर्ट का चाहे घूमते रहो ना, किसी से तरह मर्डर करा ना, कोई डाका डालना, अब करते रहो। ये दिया समाज ने, अब कौन है सतपाल बताओ कौन था। कहाना सतपाल होता, कौन संगठन में से कौन सा मेरे साथ गया? खैर मैं किसी को क्या बोल लू, जिसके संगठन में काम किया था वो कुत्ता निकल गया। कहाँ पे पहुंच रहा हूँ सतपाल। सतपाल जा रहा अपनी माँ के पल्लू में। हाँ 21 अगस्त को कहाँ पहुंच रहा बता।
कमेंट करके बताएं इनके इनके ऐसे ऐसे मारेगा सबके समाज वालों की, और क्या करेगा, कैसे लगा कर भाग जाएगा, बढ़ जाएगा कहीं बिल में बढ़ के। उसकी पत्नी की कल रिपोर्टिंग वायरल होगी, सुनना। भैया हम तो गलत है, ठीक है, हम तो साफ बता रहे हैं, नुसिन्नु गलत बता रही हो अपने आप को बेवकूफ। जब भैया तुम ही ऐसी बात करो धर्मपाल को, भैया जब उसने हमारे साथ गलत करा तो हम तो बोल लेंगे, अब तुम्हारे साथ ही मैं गलत कर दूं तुम बोलोगे ना बोल लेगा, मैं लाइव में बोल रही हूँ सब देख रहे हैं, चाहे 10 जुड़े हुए चाहे 20 जुड़े हुए चाहे 2 जुड़े हुए हैं, और बाद में भी देखे नहीं, जब मैं गलत बोल लूंगी तुम्हें कैसे बुरी लग रही है, तुम्हारे साथ हुआ है क्या कि तुमने अपनी बहन भेजी सतपाल के द्वारा काम करने के लिए संगठन में। भैया हमें तो लगे हैं, हमारे दल दिल पर लगे हैं क्योंकि हम बर्बाद हो गए, ठीक है, और ज्यादा एडवाइस दो मत ना, क्योंकि फिर मैं बोलती हूँ खरी खरी, अब सुनी तुमसे जाएगी ना तुम भक्तों उल्टी सुधी, ठीक है, इससे बढ़िया तो लाइफ लाइफ से छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे कि हमें जरूरत नहीं है, तुम मिले या नहीं मिले मुझे ना पता हमसे, ठीक है ना, हम तो बोलते साफ, हमें 15 दिन रहे हम सतपाल के संगठन में, जब तक मैंने जब मैंने पहली लाइव दी थी फिरोजाबाद की विकेश वाले भैया के ऊपर नारा के थाने के ऊपर लाइव दी थी, जब मुझे 3.5 से 4 घंटे तक टॉर्चर किया गया, मैंने तो ये बोलो ये बोलो ये करो ये करो, मगर सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, उसके बाद जब मैंने लाइव दी मेरे पे केस लग गया, तब मेरे ओढ़ने पहनने को लेकर, भाई कौन पहनेगा निक्का, हमारे बस की ना, हमने अपने घर में सूट सलवार पहने, बाहर निकल गए जींस पहनने स्टार्ट कर दी, इससे ज्यादा तो हम नंगे तो घूम ना सकते हैं, वो चाहो तो हम निक्कर पैर पैर के वहां के साथ में डोले तो हम तो डोलेंगे ना, निक्कर पैर पैर के बंटी भारतीय बरेली के, ठीक है, वो आए थे साइन कराने मेरे बरेली में, मैंने ट्यूब पर लाइव दी थी, सतपाल ने दिलाई थी, बंटी भारतीय इस चीज के खुद वो है, बाबा के सतपाल ने मेरी कितनी बुरी बेइज्जती की थी, मेरे ओढ़ने पहनने को लेकर बिहार ने कंजरी अनपढ़ गंवार चुड़ैल सी ऐसी ऐसी गाली गंदी गंदी गाली दी थी, खुद मैं इस चीज गवाना हूँ, बंटी भारती गवाह इस चीज का, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, नार जाए तो हम भी अब कह ना सकते कुछ भी, कोई किसी का नाम कह लेगा, मैं किसी को नहीं धमका रही ना, मेरा कोई अधिकार धमकाने का, ठीक है भैया, मेरा कहने का मतलब ये, जब सतपाल आज तब जब ये बताओ तुम आज सांसद में भैया जी चंद्रशेखर भैया जी लड़ रहे हैं हक अधिकार के लिए, कितना कितना लड़ रहे हैं, आज तक कोई लड़ा इतना, और बहन जी मायावती कुमारी वे लड़ी जिस चीज के लिए ये अफवाह उड़ाई थी, जब वो चीज मान ली गई है फिर क्या जरूरत है, तुम ये बताओ, और मानी जा रही है। मानी भी जा रही है, ना मानेंगे तो मनवाएंगे, ठीक है, जब ये चीजें सारी मानी जा रही हैं तो फिर क्या जरूरत है भैया 21 तारीख को भारत बंद करो ये करो वो करो, अब तुम एक बात तुम ही हो, तुम भी अपने गरूर में चले जाओ, अगर कोई तुम पे मुकदमा लग रहा है तुम तो चले जाओ तो जेल में, रुकी सुखी जैसी मिलेगी तुम्हें तो खानी पड़ेगी वहां पे, पर तुम सोचो अगर तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, समझ रहे ना, गांव बस्ती के मजाक लेंगे ये ना कहेंगे कि हाँ समाज सेवा करते फिर रहा लड़का डोलते फिर रहा, और गाली और देंगे 10, और जब रोएगी ना पत्नी तो वो भी बद्दुआ से गाली देगी तुम्हें, समझ रहे, हमारा कहने का मतलब ये, हमें किसी को भड़काना रहे, समाज के लिए संघर्ष करो, जमीनी स्तर पर काम करो, उतरो मैदान में काम करने के लिए, फील्ड में काम करो, कहीं बहन बिटिया के साथ गलत हो रहा वहां पर जाओ, पर लेकिन उस इंसान के साथ में काम करो कि जो तुम्हें रास्ते में छोड़कर ना भाग गए, ठीक है ना, तुम्हें रास्ते में धकेल आगे और तुम्हें छोड़कर भाग गए कि हाँ भाई मैं आगे से देख लूंगा, और वो आगे से ना पीछे देगा तुम्हें, हमारा कहने का मतलब ये है, जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वह बीतती है तो वो बोलती है, मेरे घर पे है ना 50 50 पुलिस वाले जाते थे, और सतपाल मेरी बात नहीं होने देते थे मेरे घर पे, मैं जबरदस्ती चोर चुपके से बात करती थी, मेरे माँ बाप कभी किसी घर पर सो रहे हैं, कभी मेरी भाभी यानी सयानी मेरी भाई भैया घर वाली थी वो कभी किसी घर पर सो रही है जाके, इतना पागल कर दिया था मेरे फैमिली वालों को, समझ रहे, और मेरे फैमिली वालों से किसी और से मिलकर सतपाल ने मुझे बेदखल करा दिया, और गंदा संदा न्यूज में निकलवा दिया पेपर न्यूज में, समझ रहे, तो अजीब जोर में पड़ता बताओ तुम, और आज हम बुरे बोल रहे हैं, तो भैया हमारे साथ गलत होगा तो हम बोल लेंगे, जिसको जो बोलना है बोलो, और कमेंट में गलत बोलेगा तो हम नाम लेके गलत बोल लेंगे, साफ बात है, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तुम बात भैया, तुम कमेंट जैसे भी कर रहे हो पढ़ रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं बस, ठीक है, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनाई नहीं है, सब मेरे भाई बहन मेरे फ्रेंड मेरे समाज के और मेरे अदर समाज के भी हैं, सब मेरे अपने हैं, अगर मेरी लाइफ में जुड़े हैं और लाइव में मुझे देख रहे हैं तो मुझे ये नहीं कि मेरे समाज के मेरे फेसबुक से जुड़े मेरे समाज मेरे हर एक समाज से जुड़ा हुआ है मेरे भाई,
ठीक है। और मैं सबकी बहन की रिक्वेस्ट करती हूँ और सभी भाई की रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लगा होगा मुझे ना पता हो, ठीक है ना, लेकिन हमें तो सही लगा। हमने किसी के पहले तो बात ही नहीं छेड़ी, हमने सतपाल की बात छेड़ी, इसलिए छेड़ी कि कमेंट में सतपाल के लिए बोला गया था 21 तारीख का क्या वो है, ठीक है, योगदान 21 तारीख के ऊपर हमने बोला, उससे ज्यादा हमने कुछ बोला नहीं। तुम ना के बीच में बात छेड़ी, तब जाके आगे बात करी, ठीक है ना। तुम्हें ज्यादा दर्द आ रहा हो तो पालो को तो कोई बहन को भेज दो पास। काम करने के लिए भेज, तुम गलत नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। क्या तुम जो वो काम करने के लिए बोल रहे हो वो काम करते रहेंगे, फिर तुम बताना कि तुम्हारी इज्जत पर बात आई नहीं आई, ठीक है। भैया देख लेना, कोई लड़की पागल ना है, अपनी इज्जत को बदना यही रोड पर ला के खड़ा करेगी या बेइज्जती कराएगी, चाहे कितनी बेइज्जती चाहे कितनी गंदी औरत हो, तो भाभी अपनी इज्जत को समाज के सामने नीलाम ना करेगी। और ऐसे लुच्चे लफंगे आ जाते हैं यहाँ एडवाइस देने के लिए, जिनमें जिनके घर में 2 पैसे की इज्जत ना है, वो बोलते फालतू मेरे सामने। मरा जय भीम भैया, और छेड़ो मत ना सतपाल के ऊपर ही मत छेड़ो, मेरा खून फूट गया सत्री का नाम लेते ही, मेरे मुंह में तो गाली निकल जाएगी, बहुत गंदी गंदी। जैसे जैसे उसने मुझे गाली दी है ना, जिस दिन खड़ा कर दो तो नंगा ही करूंगी, सारी शर्म भूल जाऊंगी, स्त्री के उतार दूंगी कपड़े भी, जूती चप्पल पहरा के गले में तब चक्कर लगाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले समाज का, यहाँ पे इसने क्या कर भैया, मैंने बढ़िया करा इसी लायक है, तब बुझूंगी मुंह मार के। बता तू क्या कह रहा था, मुंह इतनी भी कमजोर ना है सीमा, सीमा वहां से डर तुम बता दो वो जाए, यार कहाँ पे रहो है? सुतरी का आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा पता तो चले कम का हाल तो बोल रहे आ आ के चिन्नू चिन्नू, नशा हो रहा मुंह, नशा हो रहा मुंह, केस में नशा हो रहा, पैसे दे दो मैं अपने केस खत्म कर दूंगी, फालतू तो बोल रहा आके। उनकी 2 पैसे की जितना हुई घर हमारे यहाँ पाकर, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे जैसे कहीं के प्रधानमंत्री हैं। मेरा मन कर रहा गाली देने का, पर मैं कुछ नहीं कह रही, एक बात प्लीज टांगे भैया, एक बात प्लीज, लेकिन नहीं एक किसी का बात नहीं टांगे वो कमेंट। अरे भैया तुम आपको कमेंट ही डाल दिया, योगेंद्र कुमार तुमको लिंक शेयर लिंक करो, लिंक शेयर कर दो भैया, जाइए का लिंक शेयर करो या प्लीज। एक पिन कर देंगे फिर ये देख लेंगे बाद में, अपना नंबर भी सेंड कर देना ताकि आपसे बात हो जाए, ठीक है। लिंक शेयर करो सपोर्ट करने के लिए मैं कोई मना ना कर रहा, जितनी होगी उतनी सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि भैया ठीक एक दूसरे की सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है, खुद ना करता खुद का पानी पी लेगा, ठीक है। है। ऐसे भी तूफान लोगों को ये सपोर्ट करो। ऐसी भी तूफान न्यूज है हमारा चैनल, बाय सपोर्ट करो, और एक मेरा हो रहा है यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, कितने 60 60 वॉच टाइम और चाहिए बस, उसके बाद मेरा चैनल मोनी टाइप बोलते 60 70 32 32 हो गए ना, 70 चाहिए, 70 बस, 70 68 मान लो, बाय लिंक बस कर दो, फोन शेयर नंबर आपको ना लिंक शेयर कर दिया उन्होंने पहले, ठीक है, कमेंट अरे में फिर देख दोबारा से कर लेंगे, दे जी तो मोबाइल नंबर जो बता दो तुम्हारा मोबाइल नंबर पे सेंड कर देंगे ना वो, कमेंट नंबर कमेंट में आ रहा हो प्लीज। में आ रहा। योगेंद्र भैया नंबर कमेंट में डाल रहे हैं, तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे कर देना और वो कर देना लिंक शेयर यूट्यूब चैनल का, ये तो आया हुआ है पक्का मेरा नंबर काहे दे दिया मेरा नंबर दे दियो, 97 11 0 23, इसे तो बोल देती 97 11 0 23 86, मेरा नंबर दे दियो, मैं परेशान हो जाऊंगी स्कूल में ब्लॉक नंबर करूंगी, बदतमीज इंसान कॉल करेंगे तो सीधा ब्लॉक लिस्ट में, इनसे कह दो नंबर अच्छे भाई लोग डिलीट कॉल करना। करेंगे तो नंबर तक ब्लॉक लिस्ट में जाएगा।
मैं डिलीट कर दे नंबर, इनसे गया तो सेव कर ले स्क्रीनशॉट को। काय वो तो मैंने लाइव में बोल दी, कहां दो अब नहीं कर पा सकते कुछ बोलने का फायदा, मैंने लाइव में बोल तो दिया डिलीट करने का काम फायदा। मीन पिन संभलाई थी सतपाल की रिकॉर्डिंग, सतपाल की पत्नी की रिकॉर्डिंग बनने के कब तैयार हैं? अरे थोड़ा थोड़ा इंसान को हंसी खुशी से कॉमेडी करनी चाहिए। ये तुम्हारा लिंक लगा रहे तुम्हारे यूट्यूब पे, ठीक स्कूल में जे हालत हो जाए आ गए गला बैठ गला चिल्लाए चिल्लाए हमने स्त्री की ना है तो तब भी काम होना सुनती है थोड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं 25 दिन स्कूल में लगी हुई है हमको लगा के, और ताऊ जी जो आते हैं साफ सफाई के लिए वो अलग रहते हैं, और सारी दीदी मेरे अंडर में काम करती हैं, और 25 और 3 28 और 1 29 29 दीदी दूसरे स्कूल में, वहां पर भी देखना पड़ता है, 2 स्कूल देखने पड़ते हैं। अब लगा दो तुम, उन्होंने मोई नचा रखा करता है स्कूल में, अब नचा क्या रखा है, काम के लिए बोले तो भर भर करती हैं, हम जे नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे, हमारा ये हो रहा हमारा वो, अरे तुम्हारा दिक्कत है ना तो बैठाओ गेट से बाहर हो जाओ, गेट पास बनवाओ, तबियत तो खराब है यहाँ ड्यूटी में चढ़ाओ अपने जे गला बैठ गया हमारा, आज भी बहुत बहसबाजी हुई, आज हमने ढंग से झाड़ दिया सबको, बच्चा गया वॉशरूम, लड़का टॉयलेट गया था और टॉयलेट में टैल छुटके गिर गई बच्चे के पैर पे, बहुत चोट लगी, और नीचे मैम ने बोला जो ऊपर फोर्थ पे थी फ्लोर पे कि टैल कैसे गिरी पहले नहीं पता था, हमने तो सीमा सीमा सुपरवाइजर दीदी को बता दिया था भाई, कंप्लेंट मेरे पास गई, बच्चे के पैर में चोट तुम्हारे लग गई यूट्यूब तगड़ी, पर बच्चे के चोट लग गई तगड़ी, बच्चा चिल्ला रहा रो रो के, अभी हमारे पास कंप्लेंट नहीं मैम हम पे चिल्ला रही, बच्चे के चोट लगी मैम हम पे चिल्ला रही, आपको बताया था पहले ही आपको बता दिया था, आपने क्यों कंप्लेंट नहीं की थी कि टैल हिल रही है, मतलब मैम हमें तो कोई जानकारी नहीं इस बारे में, ये दीदी बोल रही है ऊपर की कि चलो हम लेकर रिसेप्शन से एडमिन दीदी मैम को लेकर ऊपर पहुंच गए, मैम के सामने नाट गई वो, मैम को आ गया गुस्सा, मैम ने करा आगे फोन ठेकेदार भैया को, ठेकेदार भैया भैया बहुत डांट लगी, झूठी एक नंबर की तुम दुनिया भर की, तुम सबको सफाई पाई होती हुई है फालतू की बात कर रही हो, लाइफ से भाग गए सब, वही सबकी बात खत्म, एक ही भैया जुड़ रहे हैं फोन नहीं देख, मारूं मतलब वो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है ठीक है, और एक ऐसी भी तूफान न्यूज का यूट्यूब चैनल का लिंक है, और एक है सीमा सोनू सुद्र स्टूडियो का लिंक, प्लीज है ना स्टूडियो प्लीज, हाँ प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लाइव को शेयर करें, एक ही भैया लाइन में जुड़े हुए और कहाँ सो गए सारे, कब मुंह दिख रहा ना कम दिख रहा 4 जने लाइन चल ठीक है। हाँ में, ए कितनी देर होगी लाइव चलते चलते मुंह तो पता भी ना, चलो अब मैं सो दूंगी, कल भी मेरी छुट्टी है 5 कल भी मेरी छुट्टी इसीलिए तुम लाइव पे है बकवास कर अब रहे कल हो। उठूंगी मैं 10 बजे सो गए, 10 बजे ना उठूंगी 8 8:30 9 बजे उठूंगी, साइकिल में मेरठ जाऊंगा, सेटअप किया हो सेटअप किया तो गए हो मैसेज आया हो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं मैं तभी तो बोल रही थी कहाँ चले गए, चार्जिंग पे लगाया हुआ है क्या योगेंद्र भैया जी, आप कहाँ से हो योगेंद्र भैया एक बार बताओ तो सही, हाँ एमपी से। एमपी से हो तो सीमा जी गुड नाइट, मुंह पे तो पढ़ना बिना तो भैया गुड नाइट मेरे भैया, नंगला बीच से क्या बोला हाँ टूडला से है ये एमपी से ना टूडला से है, नंगला से टूडला मैं हम तो फिरोजाबाद से हैं टूडला तो हम जाते रहते हैं,
अच्छा, विकास वालिया तुम्हारा दोस्त है? अच्छा, विकास वालिया यही रहे शायद दिल्ली नोएडा में, विकास वाले भैया, विकेश विकेश है ना, विकेश वालिया भैया यही रह रहे नोएडा, नोएडा में दिल्ली में यही रह रहे हमारे आस पास ही, प्रकाश कुमार, जयभीम, जयभीम भैया आज ना सोए पूरी रात लाइव चलेंगे, ठीक है? हाँ, नोएडा में ही है। आप भी नोएडा में हो क्या? आज नोएडा में ही सब लग के साथ में काम करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया को आगे ग्रोथ करवाएंगे, आ जाओ। क्यों, हमारा तो भैया सही चल रही है, आप सबका प्यार सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है, और जिस दिन अच्छे से मिल जाएगा, जिस दिन लगेगा हाँ हम कुछ किसी काबिल हो गए हैं, कुछ हमारे पास है, उस दिन समाज के बीच काम करने उतर जाएंगे। लेकिन ये नहीं, हम ये नहीं करेंगे जैसा हमने सतपाल करवाता था पहले, हम अपने तरीके से काम करेंगे, जो हमने सोचा है, समझा है, जो हम करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आऊंगा, बिल्कुल जल्दी आना, आओ तो कॉल कर देना। मिर्ची, लाल मिर्ची की चटनी बनाकर, रोटी बनाकर तैयार रखूंगी भैया इसी लाइट में। चने फुले दिए जाकर, जाओ चने ना डाले बात भैया, कर रही है चटनी बनाई, चटनी कहते बनने का चटनी बनवाना पनीर बनाएंगे, चाट बनाएंगे, छोले भटूरे बनाएंगे, मेरे भैया आएंगे, भैया कल रक्षाबंधन है, कल सॉरी कल ना रक्षाबंधन रक्षाबंधन की मौत छुट्टी है, और संडे पड़ रहा है छुट्टी, मंडे पड़ रहा बाकी छुट्टी, हाँ 2 दिन मिलेंगे घूमने के लिए। हाँ हाँ भैया, व्हाट्सएप पे सेंड कर दियो, हम देख लेंगे। कहाँ हो गया? अरे चलो और क्या है वो सारे घर जोनी, सिद्धार्थ जोनी, नरेंद्र, सिद्धार्थ, गुरमित, योगेंद्र, मुकेश, योगेंद्र को लाइव पे जोड़ दो ना, अच्छा इनवाइट भी जुड़ जाते हैं, जुड़ जाओ भैया बात करो फिर। ये डर कैसी होगी आज ना, नून होगी, हालत खराब हो गई। नेटवर्क हाँ भैया आए जाओ लाइन में, सामने तो दिख रहे ना हो तुम, टाइम लगेगा। कट गया इतना लंबा तो मेरा हाथ भी है, भैया दिख रहे नहीं वहां पर। नेटवर्क खत्म है इसका, फोन लग रहा भैया के, नेटवर्क दिक्कत है प्लीज सर। सोनू भाई से बात करना, सोनू जी आपसे बात करना, पास ऐसे करो मैं तो दिखूंगा करो ना, इतनी बात तुम्हारी हालत देखने लायक हो रही है, ये क्या होगा? के साथ साथ थोड़ी तफरी भी जरूरी है ना, मौज मस्ती तफरी। क्या हाल है आपके, बताओ ठीक है भाई साहब और बताओ। हाल इतने बुरे हैं, तारीखों की वजह से डर, रजिस्टर में तारीख लिखते 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 थक जा। अरे क्या हाल है बताओ ना, ये देखो कैसे आप हैं देख लो, ठीक है आप बताओ क्या हाल है आपके, बताओ खतरनाक हाल है। चलो तो बट कैसा लगूं सारे मैं, यार नींद ना आ रही रे, ये नींद क्या ना करने के लिए, नीचे
एड का एड का एक्सेप्ट करो। जब दबाऊं काय के लिए मैसेज आया ना, मैं तू देना सी। कभी कभी गुस्से में होती हूँ, मैं 100 रुपए दे देते हैं मेरे। कभी कभी तो मैं 500 भी नहीं देती, और मैं नॉर्मल हूँ, मैं बात करूँ मजे में। तो मेरा तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं सोमा ना कहाँ जाओ, मेरे तो पैर टूट गया। थोड़ी थोड़ी सब्री भी जरूरी है ना, लड़ लड़ कर परेशान हो जाते, दिमाग खराब हो जाता है। खाना मिले थे? हाँ मुझे पता है, मैं भी गई थी खान सा। सतपाल की फिटनेस बन रही थी। अरे कहाँ करें, अब अलग ही नींद है। नींद के सर दिख रहे, नींद के सर राधे श्याम। अरे अगर बड़ी देर में लाइव आए भैया तो आप देखने के लिए। आ मम्मी, मैं कहाँ चली गई थी? मैं भी तो होनी चाहिए, मैं कहाँ चली गई थी? मैं तो वहीं पर आती थी, कोई प्रोग्राम था 25 दिसंबर को, मुझे बताओ तो सही। अगर प्रोग्राम था तो मैं जरूर होंगी, शायद आपको ना मिली हो। आ जाओ बात कर लो, उनसे बात कर रहे हैं। मैं तुम सोन बात, 2 मिनट बात कर लो नींद लग गया। हाँ मैं तो नींद आती तो मतलब लाइव देती, लाइव दे लाइव दो, मेरा क्लेचर दो मेरे को। वो पता है मिलेगा ना सुबह को, मेरा क्लेचर है। बाय बाय जैनी, गुड नाइट। हाँ भैया व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप, ठीक है? नंबर आपको बता ही दिया है, बोल भी दिया है, कमेंट में बोल दिया, वैसे बोल दिया लग रहा। मैं सोंगी ये कर, ये काम हो रहा नहीं तो नाम सुनो। हेलो। हाँ जी हाँ 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 भाई चली गई। आपका नाम? क्या क्या राधे श्याम? अच्छा तो मुझे बात करो। हेलो मनु समर्थ ध्यान जिस दिन था ना, उस दिन भैया मैं हेलो, गई थी वहां पे, मेरी फोटोज भी अरे हैं। कौन से बात करने हैं? जावी भैया अच्छी यार, नहीं आप तो कॉल मेरे को आया, मैंने नंबर देखा ना, 888 है लास्ट में, 888 है। आप कहाँ से? राजस्थान से हो ना? और ये चंद्रशेखर आजाद पेशाब के सबसे लोग क्या भैया क्या हैं आप बोल रहे? आवाज समझ में ना आ रही, भैया दोबारा रिपीट बोलना। दीदी हाँ भैया आप अच्छा, राजस्थान के अंदर भैया बहुत दूर है, राजस्थान का तो नाम लेके घबराहट होती है। अपन अच्छी हाँ आए भी एक बार में, बार बार आएंगे, अभी थोड़ा परेशान चल रहे हैं। हाँ भैया भैया देख रहे हैं, वो भी अच्छे अत्याचार तो हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है। और आपने सच बार 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 जाओ ये जो सच बार में कैसे बात है बार बार
सतपाल ने भैया बहुत बुरा करा मेरे साथ। नहीं सतपाल सतपाल कोई ना, सतपाल के बारे में जानने की कोशिश मत करो, सतपाल कोई ना है। उसके भैया एक मिनट भैया, गुड नाइट, जय भीम, नमो बुद्धाय, ठीक है। बिल्कुल।